एक्चुअली नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, टेक इट इजी। तुम्हें हेडेक नहीं हो रहा? हेडेक? नहीं सर, आई एम परफेक्टली फाइन। सरदार जी भी ना। कुछ कहा सर? मैरिज। मैरिज? मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट आर योर व्यूज? सर, मैरिज मींस दो पर्सन का यूनाइट होना, हु लव ईच अदर, दो सोल्स जो एक दूसरे से जुड़े हों, जो कि एक दूसरे पे अपने से बढ़कर ट्रस्ट करें, और दो पर्संस जो सारी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हों, वो भी अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स और रब की ब्लेसिंग्स के साथ, जस्ट बिकॉज कि उनके प्यार को रिकॉग्निशन मिल सके। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तुम्हें किस टाइप की मैरिज पसंद है? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सर, ऑफ कोर्स लव मैरिज। ओह, लव मैरिज, बट व्हाई? सर, अगर दो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, लव ही ना हो, प्यार ही ना हो, फिर उस मैरिज का क्या मतलब है? आई मीन, अगर मैं किसी को लाइक ही नहीं करती हूँ, जानती ही ना हूँ, फिर मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए तो हैप्पी मैरिज वो होगी ना जिसको मैं लाइक करूँ, मैं प्यार करूँ। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से सक्सेसफुल मैरिज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सर, ट्रस्ट। ट्रस्ट? और कुछ नहीं? पैसा, स्टाइल, आई नो, गुड लुक्स? नहीं सर, इन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ट्रस्ट है। आई थिंक तुम बहुत क्लियर हो अपने मैरिज को लेकर, दैट्स गुड। तो तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? ₹10 के केले ₹8 में? सारे के सारे केले दे दो, बट एक केला ₹10 का। ठीक है अंकल जी, ये सारे 12 केले आपके। ओ यार, मेरे पास छुट्टे तो नहीं है, 500 का नोट है। चलो, कीप द चेंज। ओ भाई, अब तो हम दोनों की नौकरी गई। पर बैटरी तो चार्ज हो गई ना। नैना, तुमने कुछ जवाब ही नहीं दिया। सर, बस जब लड़का मेरे सामने आएगा तो मेरा दिल कहेगा ही इज द वन फॉर मी। बस ऐसा ही लड़का चाहिए मुझे। ये क्या बात हुई नैना, तुम ये तो बताओगी ना कि तुम्हें कौन से क्वालिटीज पसंद है लड़के में, देन आई कैन टेल यू कि लड़का सही है कि नहीं। मैं समझी नहीं सर, और क्या बताऊं और क्या पूछूं? सरदार जी। सर, माफ करना, आपको डीएमसी जाना है। टाइम हो गया है? हाँ, टाइम तो हो गया है। मुझे तुमसे बात भी करनी है। चलो।
विक्रम सर चले गए? हाँ, वो थोड़ा जल्दी में थे। होता है कभी कभी ऐसा भी, जब मिसेस कपूर बीमार होती हैं, फिर वो नहीं देखते हैं मीटिंग वीटिंग, फिर चाहे कोई अमेरिका से आके बैठा हो, बस निकलना ही पड़ता है। कौन बीमार होता है? मैं फिर बताता हूँ, पहले आप निकलो, केबिन बंद करना है। आप किसकी बात कर रहे थे? मिसेस कपूर की, और किसकी? दुकान में इतनी भीड़ थी ना आज, मुझे अष्टमी पूजा के बारे में याद ही नहीं रहा। नैना पुत्र आ गई तू? मुंह हाथ धो ले, आज अष्टमी की तैयारी की हुई है। पूरी और छोले बनाए हैं, कड़ा बनाना था पर घर में घी नहीं था, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, बताशे से काम चला लेते हैं। माता रानी काम से नाराज हो जाने वाली है, जा मुंह हाथ धोकर आ जा। ठीक है मम्मी जी। नैना पुत्र, अष्टमी की पूरी तैयारी हो गई है, मैं बस आई गुरदीप को आवाज देकर। हे माता रानी, अब आप ही संभाल लेना, मेरी जिंदगी तो तुम्हारे हाथ में ही है मां अंबे। हे माता रानी, आप तो सब कुछ जानती हैं। ये पूजा इस घर के जजमान विक्रमजीत कपूर की शादी की अरदास के लिए की जा रही है। कृपा करो अंबे माँ, इस परिवार की इस मनोकामना को जल्द पूरा कीजिए। माता रानी भली करे, विक्रम के दिल की बातें तो विक्रम ही जाने। अंबे माँ सबके दिलों की इच्छा जानती हैं। आप माता रानी के ऊपर भरोसा रखिए और घर के बाकी लोगों को बुलाओ और प्रसाद लो। नैन्सी,
जाओ बहू रानी को बुला कर ले आओ और साथ में देखना प्रसाद तैयार हो गया। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसी लग रही है ये ड्रेस? बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी। प्राइस टैग तो उतारो। ओ, मिसेस डस्टबिन ने क्या पहना है? अरे जी, वही पुरानी साड़ी, आज भी। ओ गॉड, फिर वही पुरानी साड़ी? जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, वही पुरानी साड़ी घसीटती रहती है मेरी सास, हर ओकेजन पे सेम साड़ी। पर आपकी ड्रेस तो कमाल है जी, आपके पापा जी ने गिफ्ट की है। क्या, ये 60,000 की ड्रेस मेरे पापा मुझे देंगे? मेरे पापा ना कभी 60,000 की ड्रेस गिफ्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये तो आज घर में पूजा इसलिए पहन ली है ये ड्रेस। देन डिस्पोज ऑफ कट। सुनिया दीदी, आप केक तो फाइनल कर लीजिए विक्रम सर के लिए। मैंने सारे फ्लेवर मंगा लिए, ब्लूबेरी, ब्लैक करंट, रेड हेलमेट, सारे। क्या कहा तुमने, रेड हेलमेट? मिंटू रेड हेलमेट नहीं, रेड वेलवेट। सबसे एक्सपेंसिव केक है ये, ठीक है? ऐसा कर, तू यही केक रख ले और बाकी के सारे केक डिस्पोज ऑफ कट, ठीक है? ओके दीदी। हाय हाय बहू रानी, ये पूजा पाठ के दिन कैसे कपड़े पहने हैं? एक्सक्यूज मी, आपको कितनी बार कहा है नैन्सी बुआ, अपने काम से काम रखा करो। लो जी, मैं तो काम से ही आई थी। आपकी सास आपको याद कर रही है, कहती है कि बहू रानी से कहो कि प्रसाद लेके आए। क्या, बहू रानी? नैन्सी बुआ, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे बहू रानी नहीं सोनिया कहा करो। मेरा नाम सोनिया, अंडरस्टैंड? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। आप भी सुंदर और आपका नाम भी बहुत सुंदर है। चल मिंटू। पंडित जी, ये क्या है? इसमें गौमूत्र है। मुझे क्यों पकड़ाया है? इस तरह मत कहिए आकाश जी, हमारे धर्म ग्रंथों में गौमूत्र को बहुत पवित्र माना गया है। घर में गौमूत्र छिड़कने से घर में शांति, खुशहाली और समृद्धि आती है। गौमूत्र को, और इतना ही नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये भी कहा गया है कि गौमूत्र पीतल को सोना बना देता है। इतना महत्व है गौमूत्र का। पीतल को भी सोना बना देता है? नो वे, चंडीगढ़ की पार्टी तो मैं कभी मिस नहीं कर सकती। ये पूजा में लंगर खाना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। बहुरानी, बेटा पूजा चल रही है, यहाँ आके बैठो। सुनिया डार्लिंग, यहाँ पर आकर बैठो पूजा में। ये चांदी का कटोरा चार पीढ़ियों से हमारे कपूर खानदान में रखा जा रहा है। बहुरानी, पुरानी परंपरा और रीति रिवाजों का ध्यान रखो। इस कटोरे से हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं।
बहन जी, ये काले रंग के लड्डू चढ़ाने हैं माता रानी को। पंडित जी, ये चॉकलेट्स लड्डू हैं। एक्सपेंसिव चॉकलेट्स, पिनिया समझ लीजिए आप इन्हें। बहू रानी, ये क्या? व्हाट बहू रानी? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया? नॉट सोनिया, सोनिया, सिंपल सोनिया। मम्मी जी, सो के साथ सोनिया, सोनिया, ऐसे। सोनिया, सोनिया, ये चॉकलेट के लड्डुओं का भोग नहीं लग सकता माता रानी को। ये तो अपशगुन हो गया ना पंडित जी। वेदों के अनुसार माता रानी को पीले रंग का ही प्रसाद चढ़ता है, और ये तो आपने गणेश जी की प्रतिमा में भी देखा ही होगा। जी नैंसी, अंदर जाओ, पीले रंग के लड्डू ले आओ। जी मम्मी जी। की रिवायतों और परंपराओं का आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप सब इस बात के लिए मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो। जिसके लिए ये पूजा रखी गई है वो कहाँ है? अरे सर, सत श्री अकाल। बली जी, आप क्या कर रहे हो? आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कोई बात नहीं। मम्मी जी कैसी हैं? अरे मम्मी जी एकदम ठीक हैं। ठीक है? मुझे तो मैसेज मिला उनकी तबीयत खराब है। आपको बुलाना था ना। कम ऑन, आ जाओ जी। अब तुम बच्ची नहीं रही बहुरानी, ना ही ये तुम्हारे पापा का घर है। जो भी बोलना होता है थोड़ा सोच समझ के बोला करो। ये कपूर खानदान का घर है। Then what? क्या स्पेशल है इस घर में? मुझे तो कुछ स्पेशल नहीं लगता। एक सेफ्टी पिन भी मंगवानी होती है ना, तो ब्रो इन लोगों को कहना पड़ता है। अच्छा जी, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मुंह से कुछ निकाला हो और तुम्हारी बात पूरी ना हुई हो? आपको क्या पता, दिल्ली में मेरे डैड के घर में मेरी हर विश कैसे पूरी की जाती थी। मुंह से निकलने से पहले ना चीज मेरे सामने हाजिर हो जाती थी, वो भी प्यार और इज्जत से। पर इस घर में तो मैं एक शोपीस हूँ बस। तुम विक्रम के बारे में क्या जानती हो? वो कितना कुछ करता है इस घर के लिए। हमारे इस खानदान का नाम है और हमारी इतनी इज्जत है, और हमारे कपूर खानदान का नाम है। रियली? इसीलिए इस घर में हम पपेट्स बन के रहते हैं। और जेठ जी, उनका तो जो मन करता है वो करते हैं, जैसे लुधियाने के वो राजा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है वो इतना फ्री है कि वो सारा काम छोड़ के यहाँ बैठा रहे? सबको पता है लुधियाना किस लिए रहते हैं वो। जुबान संभाल के। अब मैं अपने बेटे के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहती। अच्छा, अब जबान भी हम ही संभालें। वैसे भी इस घर में सब कुछ हम ही तो संभालते हैं, क्योंकि हर बार गलती हमारी ही होती है ना? तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, तुम इस बात को समझोगी तो तुमसे गलतियां नहीं होंगी। और सुनो, अब मैं अपने बेटे के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहती। और तुम मेरी बात सुनो, उसकी बाहर इतनी इज्जत होती है और तुम घर में देखो कैसी बातें कर रही हो उसके बारे में। मॉम इन लॉ, जब आप ब्रो इन लॉ को इस घर का हिस्सा मानते हो तो उनसे कहो इस घर में आके रहे। लुधियाना जाके बिजनेस करने का क्या मतलब? सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। वेलकम ब्रदर इन लॉ, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे।
अब पूरे भाव से पटा रही है, ड्रामे कर रही है, देखते जाओ आप। नैन्सी बुआ, केक ले आइए। ब्रदर इन लॉ, स्पेशल केक फॉर यू। केक शेक बाद में, पहले मम्मी जी की ब्लेसिंग्स। मम्मी जी आप ठीक है ना? हाँ। क्या ये करना जरूरी था? हाँ? सरताज जी, पंडित जी की फीस दक्षिणा रेडी है? उन्हें घर भी छोड़ना होगा ना, उसके पहले लंच करवाना है। अरे गाड़ी और ड्राइवर रेडी है ना? ओ, आप फिकर मत करो, सब कुछ हो जाएगा। जाओ मथा टेको जाओ। जी सर। हाँ जी बुआ जी, क्या हालचाल? हाँ जी साहब जी, मैं तो ठीक हूँ, पर आप तो हमें भूल ही गए। Not possible. मैंने तो आपको मम्मी जी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। मम्मी जी, अब तो मैं आ गया हूं ना, मतलब ये आंसू खुशी के हैं, राइट? लेकिन मुझे आपकी आंखों में ना ये आंसू भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। डोंट वरी, मैं और फ्रीक्वेंटली आता रहूंगा, ओके? Smile. किसे ढूंढ रहे हो साहब जी? बहुरानी को? वो तो केक लेने गई है। मायरा, फेवरेट कलर ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स। आप अपने किसी खास बंदे की लाइफ में क्या बदलाव देखना चाहोगे? आकाश, मैं उसको बदलता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन मैं उसको बदल नहीं सकता। आधी दुनिया तो आपने उस टाइम ही बदल दी थी जब आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपनी मोबाइल स्क्रीन को टच किया। आपके अंदर है वो खास क्वालिटी जिसकी लोगों को तलाश होती है। आप बदल सकते हो दुनिया, और किस तरह बदल सकते हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी। तो अब हम बदलेंगे इस दुनिया को, वो भी अभी इसी समय। आपको शायद यकीन ना हो, मैं इस तांबे के बर्तन को गोल्ड में बदल दूंगा, वो भी पूरे 24 कैरेट गोल्ड में। तो हमारे पास है गौमूत्र। घर में गौमूत्र छिड़कने से घर में शांति, खुशहाली और समृद्धि आती है। और इतना ही नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये भी कहा गया है कि गौमूत्र पीतल को सोना बना देता है। और हमारे पास है एक बहुत ही खास, मेरे इतने सालों की साइंटिफिक रिसर्च और अनगिनत एक्सपेरिमेंट का नतीजा, और ये है गोटेम पाउडर। गोटेम पाउडर मेरे सालों की मेहनत है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं असली जादू। ये है हमारे पास तांबे का बर्तन, और ये है हमारा गोटेम पाउडर।
और अब हम इस पाउडर को इस तांबे के बर्तन में डालेंगे और इसके बाद हम इसको इस बर्तन में रख देंगे इस तरह, और इसके बाद हम इसमें गौमूत्र डालेंगे। आप देख सकते हैं गौमूत्र डाल दिया गया है, और आप बहुत ध्यान से देखते रहिए। अब हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये रहा पीतल का बर्तन जो कि अब गोल्ड में बदल चुका है, वो भी पूरे 24 कैरेट गोल्ड में। कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। अगर आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या सफल नहीं हो रहे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इतना बड़ा इत्तेफाक, आज पूजा में गुरुजी ने बताया था पीतल से सोना, वो भी गौमूत्र से, और मैंने इस वीडियो में अपने आंखों से देख भी लिया। माता रानी ने मेरे ऊपर इतनी जल्दी कृपा कर दी। सोन्या, मेरी इस घर में वैल्यू है कि नहीं? क्या है ये? आपने इतने ही अमाउंट की रिक्वेस्ट की थी और सर ने मुझे चेक देने के लिए कहा था, तो वो मैंने दे दिया। रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? मेरा हक बनता है। बनता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे भी तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। यू नो व्हाट, आपके इन्हीं प्रोसीजर्स के कारण मुझे आपसे बार बार पैसे मांगने पड़ते हैं। काश ये बात मेरे हस्बैंड समझ सकते। हेलो सोनिया। ओ हेलो मायरा। हेलो सर। हेलो हेलो सर, मैंने चेक मैम को दे दिया है। ओह ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। क्या वेरी गुड? मुझे और पैसे चाहिए थे, मुझे वो मशीन खरीदनी है जिससे ना अपने आप फेशियल हो जाता है। डोंट वरी सोनिया डार्लिंग, वो तो लोधी फोर्ड वाले सौदे में पंगा हो गया था, उसे भूल जाओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है जिससे बिग ब्रो भी पैसे कमाएंगे और मैं भी। ओहो मायरा मैडम, तुम्हें तो पता ही होगा वो कॉपर को गौमूत्र से सोना बनाने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। अरे गौमूत्र तो पहले ही बहुत इम्पोर्टेंट होता था और उसकी बहुत वैल्यू है अभी। ये देखो मेरे फोन में वीडियो, मेरे पास एक वीडियो है, ये बंदा ना गौमूत्र से सोना बना रहा है। ये गौमूत्र डाल दिया गया, अब इसे हम अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये रहा पीतल का बर्तन जो कि अब गोल्ड में बदल चुका है, वो भी पूरे 24 कैरेट गोल्ड में। मैंने भी इसके लिए बिजनेस प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है। सर, कैन आई सी समथिंग? हाँ हाँ, यस बोलो। सर, ये वीडियो है ना, ये फेक है, कई महीनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और न्यूज चैनल में भी कहा गया है इस वीडियो के बारे में। ये न्यूज चैनल वालों का क्या है, इनका तो काम ही यही है कि अपने लोगों को आगे बढ़ने से रोकना। एनीवे सर, मुझे कपूर सर ने किसी भी नए बिजनेस में एक रुपया भी इन्वेस्ट करने के लिए मना किया है, उनकी परमिशन के बिना। क्या कहा? कौन नहीं इन्वेस्ट कर सकता? कोई भी नहीं, नो वन। मैं चलती हूँ मैम। मैम, मुझे नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस की डिटेल रिपोर्ट चाहिए। डिटेल रिपोर्ट? वो क्यों? सीए के लिए। सी मैम। सुन लिया तुमने आकाश, अब हमारे एटीएम को हमारी डिटेल रिपोर्ट भी चाहिए होगी। आकाश सुन रहे हो कि नहीं? तुम तो रहने ही दो, सोना बनाओ अपना चाके। इस सोनिया ने ना आकाश को अपने कब्जे में ले लिया है, एक मिनट भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। बातें तो बहुत करनी है तुम्हारे साथ, पर पता नहीं क्यों जब भी तुम सामने आते हो ना, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन मैं तो यही हूँ, जो बात करना है कर लो। बातें तो क्या करनी है, मुझे ना सोनिया का व्यवहार ठीक नहीं लगता। उसने आज देखो पूजा में भी कैसे कपड़े पहने थे। मम्मी जी, वो मॉडर्न फैमिली से है और उसके
रीति रिवाज को लेकर जो थॉट्स है वो थोड़े अलग होंगे और कुछ नहीं। तुम ना उसकी तरफ से बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे कैसी बातें करती है वो। ये तो बस प्यार की निशानी है और क्या, जिसे हम प्यार करते हैं हम पीठ पीछे उसी के बारे में बात करते हैं। आप मेरे पीठ पीछे बात करते हो ना, कंप्लेन करते हो ना मेरे बारे में। मम्मी जी मैं बिजनेस की वजह से घर से दूर रहता हूँ, पर क्या फैमिली के लिए प्यार कम हुआ है आज तक, आप ही बताओ मुझे। नहीं ना। कपूर साहब ने चुटकुला सुना दिया है, हंसते हंसते आंख में आंसू आ गए। आ गया बजरंगबली मेरे राम का साथ देने। आज की पूजा ना माता रानी सफल करे, मेरे राम के लिए भी ना सीता जरूर मिल जाएगी। ओ आपने फिर से ये बातें शुरू कर दी, आपके पास और कोई टॉपिक नहीं है? तुम अब कुछ मत बोलो, मुझे ना अपनी बहू चाहिए बस। लो जी ये भी अच्छा है, राम के लिए आशीर्वाद और हनुमान के लिए सजा, और वो भी खड़े खड़े। तुम तो मेरे राम की रक्षा करते हो, तुम्हें नहीं मिलती कोई सजा। अच्छा सुनो यहाँ आओ, ये तुम्हारे लिए है। ये लीजिए जी, ये आपके लिए। ये क्या, ये सूट है कि लहंगा? अब क्या कोई मेरा लहंगा पहनने का टाइम है? ये देखो ये 20 साल पुरानी साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, और हर पूजा में यही पहनती हूँ, अब और कपड़े क्या करने हैं। मम्मी जी जरा उसे खोल कर तो देखो। अच्छा गुरसिमरन साड़ी। तुमने तो ना सच में मुझे पुराने दिन याद दिला दिए। ये पता है ये तुम्हारे पापा की डिजाइन की हुई पहली साड़ी है, और हमारी फैक्ट्री का पहला प्रोडक्ट। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें ये गिफ्ट करने की कैसे सूझी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपको ये साड़ी गिफ्ट में दूंगा, पर कोई है जिसने आपको ये साड़ी गिफ्ट करने की सोची? एक आम आदमी जो अपनी दुकान में गुरसिमरन साड़ियां बेचता है, ये उन्हीं की देन है। आम नहीं, फिर तो वो बहुत समझदार है वो। मैं तो सियाना नहीं हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ खाली हाथ ही आता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। सरताज इस तरह का गिफ्ट ना आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया है। अब ये साड़ी मेरे पास आ गई है ना, तो इसे पहनने वाली भी जल्दी ही मेरे पास आएगी, मिसेस विक्रमजीत कपूर। माता रानी ना मेरी पूजा व्यर्थ नहीं जाने देंगी, देखना तुम। अब फिर शुरू हो गई, मैं तो चला। मेरी जिंदगी का सबसे गहरा राज क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे गहरा राज मैंने अपने दिल में दबा रखा है, और वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
यू नो नैना, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो तुझे पता नहीं है। वो क्या? यही कि वो मैरिड है भी कि नहीं। होता है कभी कभी ऐसा भी, जब मिसेस कपूर बीमार होती हैं, तो मीटिंग वीटिंग नहीं देखते हैं, चाहे कोई अमेरिका से ही आके बैठा हो। आप किसकी बात कर रहे थे? मिसेस कपूर की, और किसकी? बेटी तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक है ना? सिर तो नहीं दर्द कर रहा तेरा? अरे क्या हो गया है इसे? बहुत सिर चढ़ा रखा है आपने इसे। लाडली लाडली करते रहते पूरा दिन। अरे ये क्या फोन कहाँ है मेरा? ये क्या बज रहा है? लो, ये मर्जाना यहाँ पड़ा हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। सत श्री अकाल जी, मैं चन्नी सिंह बोल रहा हूँ जी, न्यू पंजाब बैंक से। हमारी बैंक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, 1971 में पटियाला में पहली ब्रांच खुलने से लेकर अभी तक हम जनता की सेवा कर रहे हैं जी। और अब अपने बैंक के 50 साल पूरे होने के मौके पर हम अपने ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं इजी लोन स्कीम। लोन मतलब कर्जा? ओ भाई साहब, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में ब्याह है? ओ आप तो शादी की चिंता छोड़ ही दीजिए मैडम, हमारे बैंक में बहुत ही कम ब्याज पर इजी लोन उपलब्ध है। आप ये बताइए आपकी रिक्वायरमेंट कितने की है, कितना लोन लेना है? ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें कोई लोन वोन नहीं चाहिए। वो जो लड़के वाले हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमारे आगे कोई मांग नहीं रखी है, सारा खर्चा खुद ही उठाने वाले हैं, नहीं चाहिए हमें कोई लोन वोन। ब्याह पे थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है ना, कल को हम लड़की का ब्याह करेंगे, गले में चेन भी डालेंगे, तुम्बा भी डालेंगे, थोड़ा बहुत सोना तो चढ़ाना ही पड़ता है ना। किरण जी किसका फोन है? सुखविंदर का फोन है। आपको ना एनुअल इनकम यानी कि सालाना आमदनी की डिटेल देनी पड़ेगी, फिर मैं कैलकुलेट करके बोल सकता हूँ कि आपको कितना लोन मिल सकता है। मेरी सालाना आमदनी? ओहो, साल की इनकम तो छोड़ो, यहाँ तो महीने की भी कोई इनकम नहीं है। एक मिनट रुको, मैं गुलाटी जी से पूछती हूँ। गुलाटी जी, आपकी साल की इनकम कितनी होगी भला? एक तो यहाँ नैना की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आप उसकी शादी की बात कर रही हैं। कोई दिन त्योहार तो देख लिया करो आप। मुझे पता है कि आज अष्टमी है, पर यहाँ मामला कुछ और ही है। नैना, सच सच बताओ, आज क्या हुआ ऑफिस में? तुमसे विक्रम कपूर ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं स्वीटी के घर जाके आती हूँ। लो जो पूछो उसका जवाब तो देती नहीं। बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैं विक्रमजीत कपूर को ही फोन करती हूँ। हाँ फिर हो गया सारे क्वेश्चन सॉल्व? पता नहीं का क्या मतलब होता है? मुझे दिखा। फेवरेट कलर है ग्रे, इसका मतलब है अब तुम्हें ग्रे कपड़े पहनने हैं, और तेरे सारे कलरफुल कपड़े ना मैं ही पहना करूंगी घर में। और फेवरेट फूड है लॉबस्टर। सीरियसली, तुझे लॉबस्टर कुक करना भी आता है? चलो छोड़ो, वो तो तू नेट पे भी सीख जाएगी। वैसे विक्रमजीत कपूर के घर कितने सारे नौकर होंगे, पर तू इतना बड़ा लॉबस्टर हैंडल कैसे करेगी? है
फेवरेट फ्लेवर है मिंट चॉकलेट। हैं? ये मिंट चॉकलेट का भी कोई फ्लेवर होता है क्या? अच्छा मैरिज का स्टेटस कहाँ है? स्वीटी, ये ब्लैंक कॉलम से किसी को क्या पता चलेगा? ब्लैंक है तो इसका मतलब शायद सिंगल ही होगा। मैंने भी यही गेस किया था, पर तुझे पता है आज सर ना ऑफिस से जल्दी चले गए थे। मिसेस कपूर बीमार थी, इस बात का क्या मतलब है? एक मिनट रुक, मैं अभी आई। पर स्वीटी तू रुक तो सही।